Hello students, welcome to my We Are Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7th. So student, आज हम geography सीखे पढ़ेंगे और geography का हम first lesson लेंगे our environment. इसमें हम कुछ तीन point देखेंगे. First is natural environment और उसमें दो part है abiotic and biotic. सेकेंड है इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड थर्ड इज ह्यूमन इन्वायरमेंट. सो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट. द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर विच मीन्स टू सराउंड. सो स्टूडेंट, ये जो इन्वायरमेंट वन है, इन्वायरमेंट मीन्स क्या है? इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण, है ना. तो ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है ये कौन से वर्ड से आया है? फ्रेंच के इन्वायरनर वर्ड से. फ्रेंच का एक वर्ड है इन्वायरनर, उससे ये इन्वायरमेंट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सराउंड, है ना. मतलब अपने सराउंड में जो जो भी चीजें होती है उसको क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं. देयरफॉर इन्वायरमेंट रिफर्स टू द सराउंडिंग्स विद इन विच एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट. दिस सराउंडिंग्स और कंडीशंस में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल. मतलब ये जो इन्वायरमेंट होता है ये अपने सराउंडिंग से रिफर करता है. मतलब अपने सराउंडिंग में क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना. तो वो जो चीज़ें हैं वो उसके कंडीशन में, मतलब कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड होती है. क्योंकि अपने आजू बाजू में, अपने सराउंड में जो भी चीज़ें होती है वो नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है. द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट कंपराइज द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. तो इसीलिए अपने इन्वायरमेंट के दो पार्ट हुए हैं, एक है नेचुरल इन्वायरमेंट और सेकेंड इज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. मतलब मतलब जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, मतलब जो इंसानों से बने हुए जो इन्वायरमेंट है उसे हम ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कहते हैं. ओके, जो नेचुरल है वो तो नैसर्गिक है. जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उस जो निसर्ग, मतलब अपने आप ही जो बने हैं उसको हम नेचुरल कहते हैं, ठीक है ना. तो नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ऐसे दो पार्ट इन्वायरमेंट के बने हैं. द नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइजेस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अक्यर नेचुरली ऑन द अर्थ. मतलब जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें भी दो पार्ट आते हैं, एक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे दो टाइप के चीज़ें आती हैं और जो अपने अर्थ में नेचुरली हमें मिलते हैं. द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विच डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर. फॉर एग्जाम्पल पार्क, डैम एंड सो ऑन. इट मीन्स जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो हमें नेचुरली मिला हुआ है, वो मतलब नेचर से पैदा हुआ है, ठीक है. और उसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं. लेकिन जो ह्यूमन मेड का जो इन्वायरमेंट है, जो ह्यूमन ने, मतलब ह्यूमन के थ्रू वो बनाया गया है, तो उसमें जो ह्यूमन क्या करते हैं, मतलब अपने तरीके से उसको डेवलप किया हुआ जो नेचर है उसको ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कहते हैं. फिर से फॉर एग्जाम्पल पार्क है, है ना. पार्क क्या है? एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है. लेकिन उसमें पार्क में क्या रहते हैं? पेड़ पौधे, है ना, वो सब चीज़ें होती हैं. तो वो नेचुरल नहीं है, वो ह्यूमन मेड है. मतलब ह्यूमन ने बनाए हुए वो पार्क है, उसमें जो पेड़ लगाए गए हैं वो ह्यूमन के थ्रू लगाए गए हैं, है ना. और जो नेचुरल को हम किससे कहेंगे? जैसे जंगल है, है ना, फॉरेस्ट में. जंगलों में कोई पेड़ पौधे खुद लगाए गए क्या? नहीं, वहाँ पे वो नेचुरली पेड़ पौधे उगते हैं, तो उसको हम नेचुरल, मतलब नेचुरल कहेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट, है ना. लेकिन अगर हम किसी पार्क की बात करेंगे तो उसमें पेड़ पौधे जो हैं वो ह्यूमन के थ्रू लगाए जाते हैं, है ना. जो लोग घर में भी अपने पेड़ पौधे लगाते हैं तो खुद मतलब वो ह्यूमन के थ्रू लगाते हैं, वो नेचुरली वहाँ से, उसमें से ग्रोथ उसकी नहीं होती है उन प्लांट की. तो इसीलिए वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कहा जाता है, ठीक है. उसी तरह से डैम भी है. मतलब डैम जो है वो ह्यूमन मेड है, ह्यूमन ही बनाते हैं डैम वगैरह, ठीक है. तो ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है. तो हम सबसे पहले देखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट. ओके, द नेचुरल इन्वायरमेंट में बी डिवाइडेड इनटू फिजिकल एलिमेंट्स और द और अबायोटिक इन्वायरमेंट एंड बायोटिकल इन्वायरमेंट. तो इसमें भी नेचुरल इन्वायरमेंट में भी दो पार्ट हुए हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक.
सो बायोटिक इन्वायरमेंट जो है वो एक बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं। लेट अस ब्रीफली डिस्कस दिस टू टाइप्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, फर्स्ट इज अबायोटिक इन्वायरमेंट। दिस कंप्राइजेस द इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग थिंग्स इन द इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज डिवाइडेड इन टू द लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फेयर। द अबायोटिक इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ें आती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। तो उसी में मतलब उस इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे जो कैरेक्टर है जिसका जिसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फियर। सो फर्स्ट फर्स्ट इज लिथोस्फियर। द लिथोस्फियर और लैंड इज द सॉलिड रॉक सरफेस ऑफ द अर्थ विच प्रोवाइड्स एंड प्रोवाइड्स द कैनवास फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। सो स्टूडेंट्स, लिथोस्फियर जो है, लिथोस्फियर मीन्स क्या होता है? लैंड है ना, मतलब जमीन, जमीन से जुड़े हुई जो चीजें होती है। ठीक है, जमीन से जुड़े क्या होते हैं? सॉलिड रॉक्स होते हैं, है ना, रॉक्स के सरफेस होते हैं अर्थ पे, जिसको जमीन कहते हैं हम, है ना। और उसके उसमें जो क्या चीजें हमें मिलती है देखने के लिए, जैसे प्लांट्स, ये जमीन से जो जुड़े हुए वो है प्लांट्स है ना, एनिमल्स है, और हम सब ह्यूमन बींग्स है ना, हम सब भी जमीन से ही जुड़े हुए होते हैं। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट, सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, मिनरल्स, पावर रिसोर्सेस फॉर इंडस्ट्रीज एंड अदर पर्पोजेज। जमीन का यूज हम जो है वो अलग अलग पर्पज के लिए करते हैं, अलग अलग उद्देश्य के लिए करते हैं, है ना। कुछ जो मतलब स्पेसेस है वो बिल्ड कुछ जमीन के स्पेस है वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज करते हैं, कोई इंडस्ट्री बनाने के लिए यूज करते हैं, उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, खेती करने के लिए, और इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए हम लिथोस्फीयर का, लैंड का यूज करते हैं। सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर और वाटर ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रीमली इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो हाइड्रोस्फीयर है वो किसमें, उसका मतलब कौन सा पार्ट है? वो वाटर का है ना। हाइड्रोस्फीयर को वाटर का पार्ट कहा जाता है, उसमें लिक्विड और सॉलिड भी होते हैं। ठीक है, तो जो वाटर है, इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर का जो वाटर है उसको इंक्लूड करके जो भी जरूरी मतलब चीजें होती है और अर्थ से जुड़े हुए मतलब अर्थ पे जो लाइफ होती है वो सब हाइड्रोस्फीयर के ऊपर ही होती है। नेक्स्ट इज एटमोस्फियर। द एटमोस्फियर और द मिक्सचर ऑफ गैसेस विच सराउंड द अर्थ सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन एंड रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, मेकिंग इट हैबिटेबल। एटमोसफियर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है, मतलब एटमोसफियर में अलग अलग टाइप के गैसेस उसमें मिक्स होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो ये भी गैसेस ही है, तो ये भी हमें किस में मिलते हैं? जो एटमोसफियर में ही हमें मिलते हैं। तो ये जो गैसेस है तो इसमें से जो कुछ गैसेस है वो हमें लाइफ सपोर्टिंग के लिए यूज होते हैं, है ना, और कुछ जो गैसेस है वो हमें और मतलब अपने अर्थ को वो क्या करते हैं, गैसेस प्रोटेक्ट करते हैं किसी दूसरे हार्मफुल रेडिएशन से। मतलब जो भी जैसे सन की रेडिएशन जो है, सन की बहुत ज़्यादा रेडिएशन जो है वो हमारे लिए अपने अर्थ के लिए हार्मफुल होते, तो उसको ये जो गैसेस है वो उससे उस हार्मफुल रेडिएशन को क्या करते हैं, बचाते हैं, उसको सेफ करते हैं। ठीक है, इसके बाद है बायोटिक इन्वायरमेंट। द थ्री स्फेयर्स, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर मीट टू फॉर्म अ नैरो जोन ऑफ इंटरेक्शन विच सपोर्ट लाइक द बायोस्फेयर। मतलब जो अभी हमने जो देखे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर, इन तीनों स्फेयर का जो मतलब एक मिश्रण बन के एक नैरो जोन बनता है, रेडी होता है, जो अपने लाइफ को सपोर्ट करता है, वो जो है उसको कहते हैं बायोस्फेयर। Therefore, it include the biotic and abiotic environment. The biosphere extends from the bottom of the ocean about 11,000 meter below sea level to the top of the highest mountains about 9,000 meter above sea level.
इट मीन्स जो अब बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे में क्या है इंक्लूडेड है। और जो बायोस्फीयर जो है वो उसकी जो बॉटम है वो ओशियन से नियर अबाउट 11,000 मीटर मीटर बिलो है, मतलब समुन्दर के लेवल में, ठीक है। और जो उस हाईएस्ट माउंटेन के टॉप से अगर हम देखेंगे तो उसकी जो उसका जो डिस्टेंस है वो टोटल 9,000, नियर अबाउट 9,000 मीटर अबोव द सी लेवल है, ठीक है, मतलब समुद्र के लेवल से अबोव है। ओके, विद इन द बायोस्फीयर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म द प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आर इंटरडिपेंडेंट। मतलब जो बायोस्फीयर है उसमें बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ओके, द प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रोफ्स लाइक ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। इट मीन्स जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मीन्स निर्माता है ना, जो खुद को मतलब खुद का जो खुद की चीजें जो खुद निर्माण करता है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्रोड्यूसर में सबसे मतलब फर्स्ट नंबर पे जो आते हैं वो कौन है, प्लांट्स है ना, क्योंकि प्लांट्स जो है वो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं अपने ग्रीन लीव्स में, है ना। तो वो और उस मतलब वो खुद का खाना खुद बनाते हैं या वो खुद अपने अंदर वो अपने खाने को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए वो एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो उनको खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये तो चीज़ें आपको पता ही है कि प्लांट्स को ज़्यादातर वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ऑलमोस्ट ऑल अदर लिविंग बींग्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्लांट्स एंड आर नोन एज कंज्यूमर्स और हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। मतलब जो कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के फूड पर, प्लांट्स के बनाए हुए फूड पर जो डिपेंडेंट होते हैं उनको कंज्यूमर्स कहते हैं, है ना। तो इनमें कौन आएगा कंज्यूमर की कैटेगरी में, जैसे एनिमल्स, है ना, जो एनिमल्स पेड़ पौधे के पत्ते खाते हैं, है ना, पेड़ पौधों पर वो जीवित रहते हैं, तो ऐसे जो एनिमल्स है वो क्या क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। ओके, डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया विच लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। डिकम्पोजर किसे कहेंगे, जो कुछ ऐसे छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स या कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, मतलब मरे हुए एनिमल्स या फिर प्लांट्स को खाते हैं, मतलब ये दूसरे चीजों पर डिपेंड है ना, जो मतलब डेड एनिमल्स पर या प्लांट्स पर जो डिपेंड होते हैं ऐसे, मतलब जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं या फिर जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं रहते, तो वो किसी तीसरे पर्टिकुलर मतलब जो कंज्यूमर्स पे डिपेंड रहते हैं, ऐसे कैटेगरी के जो थिंग्स हैं उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस फूड चेन्स एंड मेनी डिफरेंट फूड चेन्स लिंक अप टू फॉर्म फूड वेब्स। मतलब एनर्जी जो है वो क्या होती है, लिविंग थिंग्स में ट्रांसफर्ड होती है, और एनर्जी के लिए लिविंग थिंग्स जो है वो एक दूसरे को खाकर या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर वो क्या कहते हैं अपनी एक फूड चेन बनाते हैं, है ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उनके फूड चेन्स होते हैं, उसी को फूड वेब्स भी कहा जाता है। ऑल द फूड वेब्स आर डेलिकेटली बैलेंस्ड, सो इफ वन लिंक इन दी वेब इज डिस्ट्रॉयड ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स विल बी अफेक्टेड। मतलब ये जो उनकी फूड वेब जो है, एक फूड चेन जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है, अगर उनमें से अगर एक भी वेब की अगर लिंक टूट गई तो बाकी उसका जो असर है वो बाकी सभी मतलब चेन पर वो पूरा उसका डिफेक्ट पड़ता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम फूड चेन के बारे में अगर हम जानेंगे तो जैसे सन है ना, सन की लाइट से क्या निर्माण होता है, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स को खा के प्लांट्स के ऊपर जो जीवित रहते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर,
ठीक है, जो प्लांट्स मतलब प्लांट के पेड़ पौधे खाके उसके पत्ते खाके जो जीवित रहते हैं वो कौन से, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाके जो दूसरे मतलब एनिमल्स जीवित रहते हैं या उनको एनर्जी मिलती है वो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ओके, और उन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाके जिनको एनर्जी मिलती है वो है लास्ट में डीकम्पोजर्स। ठीक है, मतलब जैसे जो बैक्टीरिया जैसे फंगल वगैरह जो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं उनको वो किस कैटेगरी में आते हैं, डीकम्पोजर के कैटेगरी में आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एन इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे रिसाइड। फॉर इंस्टेंस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स। मतलब एक जो इकोसिस्टम है एनवायरनमेंट की वो क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो इंटरेक्शन उनकी हमेशा होती रहती है। जो इंटर और वो क्या है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं और उनकी एक दूसरे से एक लिंक जुड़ी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, इन जगहों की क्या है, एक दूसरे से मतलब वो एक इन्वायरमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इट इज अ नेचुरल यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग, फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर एंड एयर, एंड लिविंग एलिमेंट्स इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। है ना, मतलब जो नेचुरल यूनिट जो है वो दो थिंग्स में आते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग। नॉन लिविंग में कौन से आते हैं, लैंड, वाटर और एयर, और लिविंग में प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, द बायोस्फीयर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन कॉल्ड बायोमीज एंड एक्वेटिक लाइफ जोन्स, वेयर इन ईच जोन हैज इट्स ओन फिजिकल कंडीशंस एंड यूनिक क्लस्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर फॉर्मिंग अ डिफिनाइट सिस्टम। मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके जो दो पार्ट्स मैंने बताए थे, बायोटिक और अबायोटिक, ये बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे से मतलब क्या है, रिलेटेड ही होते हैं, और उनके जो फंक्शंस है जैसे मैनर फॉर्मिंग और डिफिनेट सिस्टम्स, ऐसे तीन टाइप में उनके कुछ ऐसे फंक्शंस बने होते हैं। द बायोस्फीयर देयरफॉर इज रिफर्ड टू एज द ग्लोबल इकोसिस्टम एंड बायोम्स आर द रीजनल इकोसिस्टम। जो ग्लोबल मतलब जो बायोस्फीयर है वो ग्लोबल इकोसिस्टम से रिफर करता है, और जो बायोम्स है वो रीजनल इकोसिस्टम से रिफर करता है। ओके, कंस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स गिव्स अ डायनामिक कैरेक्टर टू द एनवायरमेंट। ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है ये इन्वायरमेंट के बहुत ही मतलब डायनामिक मतलब बहुत ही मुख्य ऐसे कैरेक्टर है। एनी चेंज इन द अबायोटिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट चेंजेस इन द बायोटिक इन्वायरमेंट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ स्पेसिस। इट मीन्स अगर अबायोटिक इन्वायरमेंट में अगर थोड़ा सा भी कोई चेंज होता है तो उसका पूरा जो इफेक्ट है वो मतलब जो अलग पूरे जो अबायोटिक सिस्टम के सिस्टम में अगर कोई भी चेंज हुआ तो उसका जो असर है वो बायोटिक इन्वायरमेंट के ऊपर भी हमें दिखने को मिलता है, उस पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे लिविंग थिंग्स है इन टर्न मॉडिफाई देयर फिजिकल इन्वायरमेंट टू सूट देम। मतलब लिविंग थिंग्स जो है वो उनको जिस तरह से उनके फिजिकल को जैसे इन्वायरमेंट सूट होता है वो लिविंग थिंग्स उसी वैसे ही इन्वायरमेंट में वो रह सकते हैं, है ना। अब इसमें इसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट इज द सोर्स ऑफ ऑल रिसोर्सेस रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर एंड सर्वाइव। मतलब इन्वायरमेंट एक ऐसा सोर्स है जो ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। द ह्यूमन इन्वायरमेंट इकम्पसेस ह्यूमन बींग एंड देयर एक्टिविटीज। जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो क्या मतलब ह्यूमन बींग्स के जो अदर एक्टिविटीज होते हैं उनको भी उसमें मतलब इन्वायरमेंट जो है वो उन पर डिपेंड होता है। दे आर द ओनली लिविंग बींग्स ऑन अर्थ हु हैव ट्रांसफॉर्म द इन्वायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स।
अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन हार्मोनी विथ नेचर बट द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर गेव राइज टू अर्बेनाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन. इट मीन्स जो जो लिविंग थिंग्स है जो अर्थ पे रहने वाले जो लिविंग थिंग्स है फॉर मतलब प्लांट्स है एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है वो सब जो है वो इन्वायरमेंट के अनुसार अपने नीड्स वो क्या करते हैं फुलफिल करते हैं मतलब पूरा करते हैं. और जो ह्यूमंस है वो उनकी जो हार्मोनी होती है वो नेचर के अनुसार वो बदलती रहती है इन्वायरमेंट के एडवांसमेंट के अनुसार वो चेंज होती रहती है और उस और वो क्या होती है फैलती रहती है. तो इसी उसके मतलब फैलने को या उसके राइजेस को क्या कहते हैं मतलब वो फैलना जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है जैसे अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण है ना मतलब इन्वायरमेंट के अनुसार लोग क्या करते हैं अपना अपने जो स्टेट है अपने जो शहर है वो बढ़ाते रहते हैं और दूसरा जो है वो है ओवर पॉपुलेशन. ठीक है तो ऐसे दो चेंजेस होते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड लंबरिंग एंड माइनिंग बिकम अनस्टेनेबल विद द पैसेज ऑफ टाइम दस एक्सेलरेशन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंक्रीजेस इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर हैज लेड टू ग्लोबल वार्मिंग. इट मीन्स जो मतलब एनवायरमेंट का जो पैसेज होता है उसका जो पैसेज ऑफ टाइम होता है वो उसको डिग्रेडेशन कहते हैं और उसमें जो सबसे मतलब इंक्रीज होने वाला जो सबसे बड़ा गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में मतलब एयर में फैला होता है तो उसी से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है. नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग इज डिफाइंड एज द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ एज वेल एज द ओशियंस. इट बिगिन इन द लेट 19th सेंचुरी एंड इज काउंटिंग टिल डेट. मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग जो है इसकी जो राइजिंग है मतलब इसका जो बढ़ने का जो एवरेज है एवरेज जो टेम्परेचर है इसके बढ़ने का वो एटमोसफियर जो है वो अर्थ से मतलब अर्थ से जो ओशियन अर्थ के जो ओशियंस है उनसे ही वो मतलब उससे ही वो राइजिंग होता है. और जब 19th सेंचुरी की बिगन मतलब 19th सेंचुरी की जब शुरुआत हुई थी उससे तो आज तक वो कंटिन्यू ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता ही जा रहा है. सम इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर राइज इन द लेवल ऑफ द सी कॉज्ड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर्स डिक्रीजिंग स्नो कवर इंक्रीज इन द ऑक्यूरेंस ऑफ सर्टन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड एसोसिएटेड इकोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस. मतलब ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के जो मेन रीजन है वो है जैसे लेवल ऑफ द सी मतलब सी की लेवल बढ़ना और मेल्टिंग ग्लेशियर्स और डिक्रीजिंग स्नो कवर मतलब बर्फ को डिक्रीज बर्फ का डिक्रीजिंग होना है ना और वेदर का इंक्रीज होना मतलब वेदर के इवेंट्स चेंज होना और इस और इकोलॉजिकल और कुछ सोशल चेंजेस जो है इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग राइज हो रही है और वो बढ़ती जा रही है. इट इज इम्परेटिव टू इंश्योर दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोसाइटी. फॉर एग्जांपल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट डू नॉट इन एनी वे कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर बेसिक नीड्स. और जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है जैसे सोसाइटी में कुछ ऐसे जो डेवलपमेंट्स होते रहते हैं जैसे रिक्वायरमेंट अपने प्रेजेंट के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना उसको फुलफिल करना है ना मतलब किसी चीज़ को करना या फिर किसी चीज़ को किसी भी मतलब एनी वे में करना है ना कॉम्प्रोमाइज़ की एबिलिटी जो होती है वो जनरेशन के अनुसार क्या हो रही है वो चेंज होती जा रही है. तो ये कुछ मतलब जैसे जनरेशन जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने में बेसिक नीड्स को पाने में वो लगे रहे हैं. तो इस तरह से कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होते रहे हैं. क्रिएटिंग सच अ सोसाइटी इन्वॉल्व चेकिंग पॉपुलेशन ग्रोथ सेंसेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिसाइकलिंग ऑफ वेस्टेस एंड अदर सच मेजर्स. जो सोसाइटी कुछ ऐसे थिंग्स जो क्रिएट कर रही है जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होना है ना उस पर कोई निर्बंध नहीं है
तो जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है और कुछ ऐसे अलग अलग टाइप के रिसोर्सेस, नए नए रिसोर्सेस तैयार हो रहे हैं, है ना, एनर्जी के सोर्सेस ज़्यादातर मतलब रिन्यूएबल हो रहे हैं, उसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है, और वेस्ट का रिसाइकलिंग करना, मतलब जो भी वेस्टेज चीज़ें हैं उसको रिसाइकलिंग करना, है ना, तो इस तरह से कुछ अदर ऐसे कुछ चीज़ें मतलब डेवलपमेंट्स अपने सोसाइटी में हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेसन है ये यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस लेसन के किसी भी पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक के बारे में अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।